को बता देते हैं बारी बारी से, तो अगली सीट कौन सी है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा था और जिसको हथियार बनाकर विपक्ष बार बार निशाना साध रहा है बीजेपी पर। देवबंद की अगर हम बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए थम्स अप, सर्कल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रामपुर मनिहारन सीट का ओपिनियन पोल कह रहा है कि यहाँ पर बीएसपी की जीत हो सकती है, फिलहाल ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। गंगो का फाइनल ओपिनियन पोल कह रहा है कि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के लिए थम्स अप, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है, फिलहाल ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। कैराना का फाइनल ओपिनियन पोल कह रहा है कि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, हालांकि कड़ा मुकाबला सीट पर नजर आ रहा है। थाना भवन फाइनल ओपिनियन पोल यहां का कह रहा है कि ये सीट भी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर लेकर आई है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है उसका फायदा यहां पर मिल सकता है। शामली का ओपिनियन पोल कह रहा है कि ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है और कड़ा मुकाबला यहां पर भी नजर आ रहा है। बुढ़ाना का ओपिनियन पोल कह रहा है कि ये सीट भी समाजवादी पार्टी के साथ जाने का मन बना रही है यहां की जनता। चौथावल का ओपिनियन पोल कह रहा है कि यहां पर कमल खिल सकता है, फिलहाल ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। ये फाइनल ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ठीक मतदान से पहले कि क्या मतदाताओं के मूड में कोई बदलाव भी आया है। पुरकाजी का फाइनल ओपिनियन पोल कह रहा है कि ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, फिलहाल अखिलेश यादव के वादों पर लोग भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर का फाइनल ओपिनियन पोल कह रहा है कि ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। पिछले दिनों आपको याद होगा अमित शाह भी यहां पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। खतौली का ओपिनियन पोल कह रहा है कि ये सीट बीजेपी के लिए थम्स अप लेकर आई है, यहां पर कमल खिल सकता है और जो वादा और जो काम किए गए हैं बीजेपी की तरफ से वो जनता को भा रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। मीरापुर का ओपिनियन पोल भी हमने दर्शकों को बता दिया और नजीबाबाद का ओपिनियन पोल कह रहा है कि ये सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, साइकिल बहुत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई सीट पर नजर आ रही है। नगीना का फाइनल ओपिनियन पोल कह रहा है कि ये सीट भी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर लेकर आई है और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है उसका फायदा मिल सकता है अखिलेश यादव को। बढ़ापुर का ओपिनियन पोल कह रहा है कि यहां पर भी समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है, लीडिंग पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी जो है इस सीट पर नजर आ रही है। धामपुर का ओपिनियन पोल कह रहा है कि यहां पर भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है, फिलहाल ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है।